बिहार में रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC परीक्षा के रिजल्ट और ग्रुप टी में CBT 2 की परीक्षा को लेकर बिहार में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन हो रहा है और छात्रों के प्रदर्शन के बाद बिहार के कई कोचिंग सेंटर पर हवा देने का आरोप लग रहा है। इस बीच पटना के चर्चित शिक्षक और खान सर की क्लास से फेमस खान सर सहित दूसरे शिक्षण संस्थानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खान सर पर दर्ज हुआ केस के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी चर्चा हो रही है। खान सर अभी FIR को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इससे पहले वो अपने असली नाम को लेकर भी खबरों में रहे थे। अब FIR के बाद से एक बार फिर खान सर चर्चा में आ गए हैं और इस बार उन पर राजनीति करने से लेकर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं कौन है खान सर और RRB NTPC परीक्षा को लेकर वो कटघरे में क्यों है, अभी क्यों हो रही है चर्चा। FIR में कहा गया है कि पुलिस को प्राप्त बयानों और वीडियो क्लिप से साबित हुआ है कि आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ साथ कोचिंग संस्थान के मालिक ने पटना में कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए बड़े स्तर पर हिंसा की साजिश रची थी। हालांकि खान सर का कहना है, खान सर ने छात्रों को भड़काने के आरोप पर कहा है कि जिस दिन वह रेलवे स्टेशन पर आ जाएंगे उस दिन छात्रों के साथ साथ ट्रेन में बैठे लोग भी हमारे साथ प्रदर्शन करने लगेंगे। उन्होंने कहा है कि हम लोग आंदोलन को भड़का नहीं रहे हैं बल्कि उग्र होने से बचा रहे हैं। खान सर का कहना है कि मेरा नहीं पूरे भारत के लोगों का छात्रों का सपोर्ट है क्योंकि वह अपने हक की मांग कर रहे हैं। विद्यार्थियों पर अगर लाठी चार्ज होगा तो हम उन्हें बचाने जरूर जाएंगे। कौन है खान सर? खान सर देश दुनिया के मुद्दों को देसी भाषा में समझाने के लिए जाने जाते हैं। वे अपने YouTube चैनल पर अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं और उन्हें आसान भाषा में लोगों को समझाते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका ही उन्हें खास बनाता है और वे अपने इस तरीके से लोगों का दिल जीत चुके हैं। उनके इस खास अंदाज की वजह से उन्हें जाना जाता है और इस अंदाज से लेकर ही उनके वीडियोस में काफी व्यूज हैं। वे बिहार की राजधानी पटना में खान सर GS रिसर्च सेंटर नामक संस्थान चलाते हैं। खान सर काफी अलग अंदाज में बच्चों को पढ़ाते हैं जिसके कारण वो चर्चा में बने रहते हैं। खान सर इतिहास, भूगोल से लेकर हिंदी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तक के सवालों को बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं। बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर खान सर के चैनल को लाखों लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। नाम को लेकर चर्चा। वैसे तो इंटरनेट पर उनसे जुड़ी पर्सनल जानकारी कम ही मौजूद है, लेकिन सबसे दिलचस्प है उनका नाम। कई लोगों का मानना है कि उनका असली नाम अमित सिंह है और वो खान सर यूं ही गाते हैं। खान सर मीडिया में भी अपने बारे में बताने से बचते हैं। आज तक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल जब नाम को लेकर विवाद हुआ था तो खान सर ने बताया था कि एक कोचिंग सेंटर ने उन्हें पढ़ाने के लिए बुलाया। कोचिंग वालों ने कहा है कि छात्रों को अपना ना नाम बताना है और ना ही नंबर देना है। इसके बाद कुछ छात्रों ने उन्हें खान सर बुलाना शुरू कर दिया तो कुछ लोग अमित सिंह कहकर बुलाते थे। ऐसे में अभी उनके असली नाम की इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।